पूरे दिन मोबाइल चलाते रहेंगे जब तो हमें नींद नहीं आएगी, और जो कि किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। और जैसे किताब उठा के बैठेंगे 2 मिनट के लिए पढ़ेंगे और हमारे को नींद आना शुरू हो जाएगी। जम्भाई पे जम्भाई लेना शुरू कर दोगे कि हाँ मेरे को तो बहुत ज्यादा नींद आई थी, मैं तो थक गया, मैंने तो बहुत स्कूल में काम कर लिया, मैंने तो बहुत सारी ट्यूशन ले ली। और अपने मम्मी पापा के सामने जाके एग्जाम्पल दोगे, मैंने क्लास में ये करा, मैंने स्कूल में ये करा। भाई जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना कुछ नहीं होने का। कभी तुम्हारे को अपनी बिजी दुनिया से बाहर निकल के टाइम मिले ना थोड़ा सा, तो एक ऐसे बच्चे के पास जाना, एक ऐसे लड़के के पास जाना जिसके या तो मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, जिसको दिन भर काम भी करना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, और फिर उसको पढ़ना भी पड़ता है आगे, और उससे तुम जाके पूछना भाई तेरे को पढ़ते टाइम नींद आती है, वो ना तुम्हारा कान पकड़ेगा, बहुत तेज जमा के देगा। क्योंकि बताऊं क्यों, क्योंकि भाई उसके पास ये बहाना मारने का टाइम ही नहीं है। अगर वो खुद से बहाना मारेगा ना अभी आज के टाइम पे, वो कहेगा कि हाँ मेरे को पढ़ते टाइम नींद आ रही है, क्योंकि वो खुद से कह रहा है, खुद को खुद से कमजोर कर रहा है। क्योंकि उसको पता है कि उसका मोटिव क्या है, कि उसको पता है कि उसको वहां जाना है, कि अगर उसने आज पढ़ाई नहीं करी तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर उसने आज पढ़ाई नहीं करी तो वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा, अगर उसने आज पढ़ाई नहीं करी तो अपना जहां है वहां से उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाएगा। उसके अंदर वो भूख है, उसके लिए वो काम कर रहा है। अब जब वो भूख अंदर से आती है ना तो तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता। ये जो छोटी सी नींद है ना तुम्हारे को जब ही रोकती है, जब तक तुम्हारे अंदर भूख नहीं होगी, जब तक तुम्हारे अंदर आग नहीं लगेगी। और ये आग या तो जब ही लगती है जब तुम्हारे सामने कुछ ऐसा हो गया हो, या तुम जब किसी को देख रहे हो कि हाँ मेरे को यहाँ पहुंचना है तो पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को उसके लिए नींद छोड़नी पड़े, चाहे मेरे को उसके लिए खाना छोड़ना पड़े। अब तुम्हारे को क्या है, टाइम पे खाना मिल रहा है, आराम से बेड पे फैल के पढ़ते हो, तो क्या है, कुछ भी सब चीज जो मांगते हो वो मिल जाती है टाइम से, ये मांगा वो मिल गया, ये मांगा वो मिल गया, तो किसी चीज की कोई वो ही नहीं है कि हाँ मेरे को वो चीज पानी है, मेरे को वो चीज पानी है। तो आज से अभी से अपना वो वाइड ढूंढो जो तुम्हारे को पाना है, कि तुम्हारे को 4 साल बाद वहां पहुंचना है, तुम्हारे को 5-6 साल बाद वहां पहुंचना है। जब तक वो भूख नहीं आएगी ना, जब तक तुम्हारी यही प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। चाहे तुम लिख के ले लो, अभी लिख के ले लो मुझसे, कि जब तक तुम अपना वाई नहीं ढूंढोगे, जब तक तुम ये नहीं देखोगे कि मेरे को वहां पहुंचना है, मेरे को उस ऊंचाई पे पहुंचना है, मेरे को उससे जैसा बनना है, मेरे को उससे ऊंचाई पे जाना है, जब तक वो भूख अंदर से नहीं आएगी तुम्हारे, जब तक नहीं कर पाओगे, जब तक तुम्हारे को ये लगेगा कि हाँ किताब उठाई पढ़ने बैठ गए नींद आ रही है, क्योंकि तुम ना अंधभक्ति तरह बस भागे चले जा रहे हो। हाँ किसी ने कहा अब पता है नहीं मोटिव क्या है, जब तुम्हारे सामने मोटिव होगा ना तो तुम्हारे को मतलब ही नहीं है नींद आने का। तो सबसे मेन है अपने अंदर भूख पैदा करो कि हाँ मेरे को ये अचीव करना है तो करना है, भले ही तुम 9th क्लास हो, भले ही तुम 11th क्लास हो, भले ही तुम 12th क्लास हो, भले ही तुम 10th क्लास में हो, अगर तुम्हारे को वो दिख रहा है तो वहां पहुंचने के लिए तुम्हारे को जो आज करना पड़ेगा ना तो उसके लिए वो करो। ये नहीं है कि तुम जंप मारोगे वहां पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच सकते हो। और वो जनून उस बच्चे में होता है जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास एक टाइम वो भूखा सोता है, उसको पता है कि हाँ उसको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर उसको शाम का खाना खाना है तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा और साथ में कमाना भी पड़ेगा। वो तो नहीं बहाने मारता है कि मेरे को पढ़ते टाइम नींद आ रही है। चलो तुमने अपना वाइब ढूंढ भी लिया, अब तुम्हारे को क्या करना है, जब भी पढ़ने बैठो जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, जो तुम्हारे को अच्छा लगता है, उससे स्टार्ट करो पढ़ना। क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर ना मोटिवेशन टाइप से आएगा कि हाँ मैंने इसको पढ़ा मेरे को मजा आ रहा है, मैंने इसको पढ़ा मजा आ रहा है। फिर क्या करो, धीरे 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 अपने जो तुम्हारे को सब्जेक्ट पढ़ने हैं बाकी उन सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो। तो पर शुरुआत किससे करनी है, इजीएस्ट सब्जेक्ट से करनी है, और जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है उससे करनी है, क्योंकि इनिशियल वहां से कॉन्फिडेंस बूस्टअप होएगा तुम्हारा, और तुम्हारे को वो बूस्टअप जो है ना वो तुम्हारे को जो बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में मदद करेगा, जो बाकी सब्जेक्ट तुम्हारे को बचे हैं उनको भी निपटाने में मदद करेगा। और ऐसा करने से तुम पढ़ते टाइम नहीं सोओगे। अब तुम पढ़ने भी बैठ गए, अब जो ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना, ये जो फोन है इसको अपने रूम से ना बाहर फेंक दो बिल्कुल। जब पढ़ने बैठ रहे हो ना, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने टाइम के लिए पढ़ने बैठे हो, जहाँ पढ़ने बैठे हो, ये फोन तुम्हारे अड़ोस पड़ोस बिल्कुल भी होना चाहिए। इसको चाहे या तो छत पे फेंक के आओ, या दूसरे रूम में फेंक के आओ, या ऐसे कहीं छुपा के रख दो जहां तक तुम पहुंच ही ना पाओ, जब तक पढ़ने बैठो। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे, बिल्कुल दूर फेंक दो इसे। अपने दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी फेंकते हो ना कि हाँ मेरी बात तो पत्थर की लकीर है, तो हाँ तो आज से उसी बात पे टिक जाओ, कसम खा लो कि अगर मैं अभी पढ़ने बैठा हूँ 1 घंटे तक मेरे को जबरदस्ती बैठ के पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उठूंगा नहीं, चाहे मेरे को कुछ भी पढ़ना पड़े, चाहे किताब लेके बैठा रहना पड़े, पर अपनी जो तुमने कसम खाई है ना कि हाँ 1 घंटे से पहले जबरदस्ती से मैं उठूंगा नहीं, कसम खा लो कि नहीं उठना तो नहीं उठना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए, 1 घंटे से पहले नहीं उठना तो नहीं उठना, पत्थर की लकीर है तुम्हारी बात, ठीक है। और फिर उसमें तुम जबरदस्ती पढ़ो, जब इनिशियल बूस्ट मिलता है ना तो अपने आप होने लगती है पढ़ाई। और साथ में क्या कर सकते हो, या तो 1 कप कॉफी पी लो, 1 कप चाय पी लो, पूरे दिन में बस 1 ही कप पीना। ऐसा नहीं है कि पीने पे लगे पड़े हैं पूरी की पूरी 1-1, 2-2, 3-3 घंटे के बाद, नहीं, बस दिन में 1 कॉफी पी लो, वो तुम्हारे को बूस्टअप कर देगा, जो लेजीनेस होगी या स्लीपीनेस आ रही होगी पढ़ते टाइम उसको दूर भगा देगा। बट
इन सब में सबसे मेन रीजन जो है ना पहले वाला है, अपना वाई ढूंढो, अपनी भूख ढूंढो, अंदर की आग ढूंढो कि हाँ मेरे को वहां पहुंचना है। तो पहुंचना है तो पहुंचना है, उस वहां तक पहुंचने के लिए जो तुम्हारे को आज करना पड़े ना वो करो। और आज वो करना क्या है, आज वो करने के लिए तुम्हारे को आज पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर तुम्हारे को वहां पहुंचना है तो जाके पढ़ाई करो। अब मैं ऐसी दो बहुत बड़ी मिस्टेक्स बताता हूँ जो एवरी बच्चा करता है, जो करता ही करता है, उसको कितना ही समझा लो पर मानता नहीं है। एक तो ये कि जब तुम थक चुके हो ना, जब तुम थक चुके हो तो रेस्ट कर लो। जब तुम कहीं बाहर से आ रहे हो तो एक डेढ़ घंटे का पहले रेस्ट कर लो, जब स्कूल से आ रहे हो तो पहले एक घंटे का रेस्ट कर लो। रेस्ट के नाम पे ये नहीं है कि हाँ मोबाइल पे टक 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 करने पे लगे पड़े, नहीं ये रेस्ट नहीं होता है। क्या करना है रेस्ट के नाम पे, रेस्ट के नाम पे तुम्हारे करना है या तो आधे घंटे का सिर्फ पावर नैप ले लो या एक घंटे की स्लीप ले लो, अच्छे से गहरी नींद, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी तुम कहीं बाहर से आओ, स्कूल से आओ, अगर कोचिंग से आओ, पूरे दिन का थका थकाया बंदा की जबरदस्ती, तुम मशीन थोड़ी ना हो कि जबरदस्ती लगी रहोगे भाई, तुम्हारे को दिमाग में भी घुसाना, दिमाग को भी रेस्ट देना है। तो इसके लिए क्या करो, जब भी कहीं से आ रहे हो घूम फिर के या कहीं से भी, तो एक घंटे का पावर नैप ले लो, रेस्ट कर लो, देन उसके बाद स्टार्ट करो। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा ठूस लिया फिर पढ़ने बैठेंगे तो कन्फर्म नींद आएगी। खाना खाने से तो वैसे ही नींद आती है, तो तुम्हारे को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा खाओ, है ना, तुम्हारा ही खाना है भाई, एक घंटे के ब्रेक पे खा ले। देखो कहीं ना कहीं तो त्याग करना पड़ेगा, त्याग वो छोटी छोटी चीजें हो सकता है, जैसे फोन से दूर रहो, फोन से तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, जैसे तुम अपना खाना ब्रेक ब्रेक में करके खा लो। और उसके बाद सबसे और तीसरी चीज क्या, मेन चीज क्या, डिसिप्लिन। जितना डिसिप्लिन के साथ काम करोगे ना उतना बढ़िया। जैसे मैंने कहा था कसम खा लो कि एक घंटे तक नहीं उठना तो नहीं उठना, अगर एक बार जब पढ़ने बैठ गए फिर चाहे तुम आधे घंटे का ब्रेक लो चाहे तुम एक घंटे का ब्रेक लो, बट उसके बाद जब तुम दोबारा पढ़ने बैठो कसम खा लो कि हाँ आपके एक डेढ़ घंटे से पहले नहीं उठना तो नहीं उठना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज का चैलेंज उन्हीं बच्चों के लिए जिनको ये प्रॉब्लम आती है, तुम्हारे को जब भी पढ़ने बैठो तो खुद से प्रोमिस करके, खुद से कसम खा के, खुद से ये हाँ मेरी बात पत्थर की लकीर है कि अगर अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ 6 बजे एक घंटे तक मैं नहीं उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, मेरी मजबूरी है कि मेरे को वो पढ़ना है तो पढ़ना है। अब चाहे तुम एक पेज पढ़ो उतनी देर में, चाहे तुम आधा पेज पढ़ो, तुम्हारे को एक घंटा बैठना है वहीं। तुम्हारे को कोई ऑप्शन जनरेट ही नहीं करना है दूसरा कि हाँ अगर मेरा ये मन नहीं कर रहा तो मैं फोन उठा लूंगा, नहीं, फोन दूसरे कमरे में, अपना रेस्ट वगैरह पूरा रखो, अपनी कॉफी पी सकते हो, ये जो चीजें बताइए वो करो, गारंटीड है। अगर ना फायदा करे तो जाके डिसलाइक मार देना।